अच्छे से मेहनत करो, फिर तुम्हारा इंटरव्यू लेने आएंगे। हाँ, आपका मैं जीत के जाऊंगा अगली बार। बहुत ज्यादा मजा आया बच्चों के साथ टाइम। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो यार, आप सोच रहे होगे कि भाई वरदान, तुम ऐसे कैसे आ गए ब्लॉग में, तुम्हें तो ब्लॉग शूट करते हुए दिखाना चाहिए। हेलो गाइज। तो एक मिनट, पहले मैं सोच रहा हूँ ना, एक नई तरीके से आपको ये पूरी कहानी सुनाई जाए, ठीक है। तो बात कुछ ऐसी है कि आज है 14th of November, और आज का दिन इसलिए स्पेशल हो जाता है क्योंकि आज ही के दिन हमारा कॉलेज का था फाउंडेशन डे, और साथ में इस डे को और ज़्यादा खास बनाने वाला है हमारा चिल्ड्रन डे। तो मैंने एक बनाया है अपने मन से ही कि फाउंडेशन डे प्लस चिल्ड्रन डे इक्वल टू बन जाता है अपना गोल्डन डे, ठीक है। तो ये मेरी लाइफ का काफ़ी, मतलब कि ये मेरी कॉलेज लाइफ का काफ़ी बेस्ट मोमेंट कहूँगा मैं, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय करा इस ब्लॉग में, और आपको भी काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए, ज़्यादा बोर नहीं करेंगे और चलते हैं अपन ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो आर यू रेडी फॉर दिस ब्लॉग? तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। तो यार, आज के ब्लॉग में पता है क्या, हमारे कॉलेज का आज फाउंडेशन डे है, तो बिल्कुल मेरे सामने को ला रहा है। तो आज हमारे कॉलेज का फाउंडेशन डे है, तो अभी चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं कौन कौन से इवेंट होते हैं। काफ़ी मज़ा आने वाला है आज के ब्लॉग में, तो मिलते हैं आपसे भाई, ठीक है। तो हमारे आज के इस ब्लॉग में हमारे साथ अरुण सर, और जो हमेशा ही रहते हैं, और थोड़ा आज का दिन इसलिए स्पेशल है क्योंकि अरुण सर बताए जो चीज़ देने वाले हैं, वो हमने पिछले ब्लॉग में बात करी थी, तो वो क्लिप उसी वाले ब्लॉग में हम ऐड करेंगे। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है भाई। तो काफ़ी, और देशराज सर हमारे साथ हैं, तो कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया। और ये भी बुंदेलखंड से ही आसपास से हैं, तो काफ़ी सही है। तो देखो यार, हम कुछ दूर आगे गए तो हमें मिले कुछ जूनियर्स जो कि काफ़ी डेकोरेशन कर रहे थे और हमारे कॉलेज को काफ़ी सजा रहे थे, जिससे कि और ही हमारा कॉलेज शानदार बन गया है। मस्त लग रहा है भाई। सर हाँ, तुम ही वो कह रहा हूँ। तो फिर थोड़ा आगे चले तो तुम्हारे वरदान भाई का स्वागत हुआ एक ब्यूटीफुल रंगोली के साथ, तो काफी अच्छा हमारा वेलकम हुआ वहाँ पे। तो जैसे ही हम कॉलेज के अंदर गए तो गाइज, हमें मिले हमारे चौहान जी जो कि हमारे प्रिय मित्र हैं, तो उनसे मिले हम, तो आप देखिए उन। तो गाइज, फाइनली वी आर इन कॉलेज, अब जा रहे हैं हम कॉलेज में, देखते हैं क्या होता है, काफ़ी मज़ा आने वाला है वैसे। और बच्चे भी आए हैं काफ़ी छोटे छोटे सरकारी स्कूल से, तो वो भी काफ़ी इन्जॉय करते हैं ऐसे इवेंट। क्यों अरुण सर? मिल चुके हैं हमारे चौहान जी। शकल आपकी काली आ रही है, बट यहाँ पे फ्लूट लेके आए? हाँ लाए यार, लेकिन कैसे हो? अरे उतरी चल रहे हैं अपने अपनी पहले जगह चलो। तुम सोच रहे होगे यार, वरदान भाई ग्राउंड पे तो होने हैं सारे इवेंट, बट तुम यार सेमिनार हॉल में क्यों ले जा रहे हो? तो भाई बात ऐसी है कि एक सत्कार्य क्लब द्वारा इवेंट रखा गया था, और एक रखा गया था हमारे जागृति क्लब द्वारा इवेंट। तो तुम्हारे वरदान भाई को दोनों क्लब अटेंड करने थे, क्योंकि एक तरफ से तो 9 तारीख को ही उज्ज्वल सर ने कॉल कर दी थी कि वरदान तुम्हें शूट करना है, और एक तरफ से अंकित सर कॉल कर रहे थे, तो अपन पहुंच गए भाई सेमिनार हॉल। तो भाई जैसे ही तुम्हारे वरदान भाई पहुंचे सेमिनार हॉल, वहां पे मिले हमारे हर्ष भाई और एक और हर्ष भाई। तो जब दोनों हर्ष मिल गए तो वरदान भाई को भी बहुत हर्ष हुआ। हर्ष का मतलब समझते हो ना, खुशी। हर्ष भाई कैसे हो? तो बढ़िया, आप कैसे हैं? आप बहुत देर से आए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बढ़िया है। दोनों हर्ष एक साथ? दोनों हर्ष एक साथ ही होता है। चलिए सर, करो फिर तुम।
तुम्हारा पहला इवेंट है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि आप बताए कुछ क्या होने वाला है? सेमिनार में की इंट्रो वगैरह होगी और स्थापना दिवस भी आज कॉलेज की ना, वो तो ज़्यादा अभी पता नहीं है। तुम्हें कैसा लगा? सर मुझे तो बड़ा ग्रेटफुल फील हो रहा है। थैंक यू सर। तो गाइज हम गए सेमिनार हॉल में, तो हमने थोड़े शॉर्ट्स लिए और वहाँ पे हमारे भैया हैं जो वो काफ़ी अच्छे से सजा रहे थे चीज़ों को, और वहाँ पे हमने थोड़े शॉर्ट लिए और फिर हमने कहा चलो अब हम यहाँ पे तो कुछ स्टार्ट नहीं हुआ अभी, तो हम चले गए सीधे आरती के लिए। इस तरह से फिर आरती का टाइम पे मिल गए उज्जवल सर हमारे। तो उज्जवल सर कह रहे वरदान तुम कहाँ घूम रहे हो यार, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तो हमें वहाँ पे मिले उज्जवल सर, तो फिर आपको मिलवाते हैं हमारे उज्जवल सर से। तो सबसे पहले सबको हैप्पी चिल्ड्रंस डे, और आज फाउंडेशन डे भी हमारे कॉलेज का, तो पहली बार हो रहा है। हाँ, और ये कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज दोनों इवेंट्स में, फाउंडेशन डे में भी और सत्कार के उड़ान इवेंट में भी। तो बस उम्मीद है कि हाँ सब लोग आएंगे और काफ़ी इन्जॉय करेंगे। उज्जवल सर से तो आप मिल ही लिए होंगे, तो आप मिलवाते हैं हमारे एसआर सर के प्रिय मित्र सचिन सर से, तो सचिन सर से भी थोड़ी बातें कर लेते हैं। कुछ नहीं, यहाँ प्राइमरी स्कूल के छात्रों को बुलाया गया है और थोड़ा बहुत उनका स्पोर्ट्स का कार्यक्रम कराएंगे जो भी है। और सत्कार, ये सत्कार क्लब करा रहा है हमारा, हमारे कॉलेज का सत्कार क्लब ये इवेंट करा रहा है। सर फाइनली हम मिलवाते हैं हमारे एक और नए ब्लॉगर, जो कि हमारे ही एसआर फादर हैं, जो कॉलेज लाइफ में बोलते हैं एसआर फादर, हमारे उपदेश पांडे सर। तो उनके चैनल को भी ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और ये वाला वीडियो मैं थोड़ा लेट शूट कर रहा हूँ, तो ये वाला ब्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है, तो उनके मतलब चैनल पे पहली वीडियो आ गया है, तो आप वहाँ पे जाके भी देखो और उनके चैनल को भी काफ़ी सपोर्ट करो यार। तो सुनिए कुछ हमारे एसआर सर से। सर आप भी बोल दीजिए कुछ, सर आप भी कुछ, सर और मैम एक साथ बोलिए। तो क्या बोलना है, वो मैं कुछ बोल लूँ? आप भी कुछ बोलो ना, आप तो ब्लॉगर हो वैसे भी। अच्छा ब्लॉगर, चलो अच्छी बात है। तो गाइज यहाँ हम भी ब्लॉग बनाने ही आए हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो इवेंट काफ़ी अच्छा होने जा रहा है, तो बच्चे भी काफ़ी स्कूल से आए हुए हैं, तो देखते हैं जल्दी इवेंट स्टार्ट होने वाला है, जल्दी करते हैं जल्दी ब्लॉग। तो गाइज इतनी सारी प्रोसेस के बाद हम फाइनली पहुंच गए ग्राउंड पर, जहां पर काफ़ी बच्चे पहले से आ चुके थे और उनके पेरेंट्स साथ में आ गए थे, उनके टीचर साथ में आ गए थे, और उनको देख के मुझे एक अलग ही फील आ रही थी, क्योंकि उनके अंदर का जो जोश देख के और उनको कितनी एक्साइटमेंट हो रही थी कि भाई हम गेम्स खेलने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं। तो फिर मैंने जाके उनसे बात भी करी, तो आप देखिए वो और भाई तुम्हारा नाम क्या है? सुहेल मलिक। कैसे हो? हाथ तो मिला लो यार, डर क्यों रहे हो? कैसा लग रहा है यहाँ के? अच्छा। वैसे पहली बार आ रहे हो और दूसरी बार? मैं पहली बार, ये दूसरी बार। तुम दूसरी बार? पहली बार कैसा लगा था? पहली बार सही लगा था। मजा आ रहा था? अभी गेम खेले थे पिछली बार? जी कुर्सी वाला, कुर्सी वाला। और तुम्हारा नाम? प्रशांत कुमार। यहाँ पे हमारे एक और ब्लॉगर दोस्त यहाँ पे बच्चों का। तुम्हारा नाम क्या है? खुशी। खुशी पहली बार आ रहे हो, कैसा लग रहा है? सही लग रहा है।
अच्छा लगा। तुम्हारा नाम खुशी है तो हंस दी थोड़ा। तुम्हारा नाम? अर्चना। अर्चना कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब इसी इवेंट में हमें मिल गए हमारे प्रधान जी परसु सर। तो परसु सर से भी थोड़ी बातें कर ली हमने। बस बढ़िया। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छा। तो अब मिलवाते हैं हम आपको हमारे जूनियर्स लक्षित और समझ से, और अब मिलवाते हैं हम आपको शुक्ला जी से और मोहित गौतम से, जिनका काफी ज्यादा रोल है यार इस इवेंट में। उनने काफी मतलब कि सत्कार्य को काफी कुछ करा है, तो वैसे सारे मेंबर्स का भी रोल है उसमें ज्यादा। ठीक है सर, क्या बोले सर, चल रहा है इवेंट, बस करवा रहे हैं। क्या होने वाले हैं पता है सर? बच्चों का गेम होने वाला है स्पोर्ट्स का। कौन सा गेम? वही करवाएंगे सर, खो खो होगा और लूडो होगा, रेस होगी, बहुत सारे गेम होंगे। समझ बताओ सर। और साथ में रिफ्रेशमेंट भी दिया जाएगा बच्चों को, आज बुलाया गया सत्कार के लिए, चिल्ड्रंस डे के लिए। और तुम्हारा भाई सीन ये छुप रहा है यार भाई। अरे सर, मैं फोन नहीं ये नहीं बोल पाएगा। हाँ सर बताइए, मजे में है सर? बढ़िया। देखिए आज हम स्पोर्ट्स पर करा रहे हैं, मोबाइल में कराना था ना? हाँ तो माइक से कराएंगे ना पहले। ठीक है, हाँ वेलकम कर दो। हाँ बहुत बढ़िया भाई, बहुत मजा आ रहा है। सुना ब्लैक शर्ट इसलिए पहन के आए हो समझ रहे हो ना भाई? ड्रेस कोड बनाया था लेकिन अब बाकी कुछ नालायक है वो पहन के नहीं आए। उनमें से एक है, उनमें से एक ही है। देखा मैं। ठीक है, ये कभी आपका कहना फॉलो करते हैं? कभी नहीं करते भाई, बहुत नालायक है। और भाई बहुत मजा आ रहा है। तो अब मैं बता देता हूँ, तो बेसिकली अब मैं बता देता हूँ कि उसमें कितने हमारे जो इवेंट होने थे, मतलब कि पहला तो देखो एक होना था हमारा लूडो का गेम होना था, एक हमारा लेमन रेस वाला होना था जो चम्मच में रख के शायद करना था कुछ, और एक होना था थ्री लेग रेस वाला होना था, एक रेस वाला ही होना था, और एक अपना होना था, और एक होना था म्यूजिकल चेयर वाला। ठीक है तो गाइज पता अभी काफ़ी सारे गेम्स होने वाले हैं यहाँ पे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप स्टार्ट का सीन भी लगा रखा है, कितना सही लग रहा है भाई। पूरे कॉलेज में पता है मुझे यही सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो सीन आते हैं ना वो काफ़ी फंटास्टिक आते हैं, तो काफ़ी सही लग रहा है। और ये बच्चे जो आते हैं ना, जो मतलब इनको खुशी मिलती है ना, वो अलग ही लेवल की होती है, क्योंकि वैसे कहीं पे ये सब होता नहीं है। क्योंकि जब बच्चे आते हैं एक सरकारी कॉलेज से, क्योंकि जब हम भी थे तो 5 तक तो हम भी ऐसे ही कॉलेज में पढ़े थे सरकारी वाले, तो मतलब इनको अलग ही खुशी मिलती है अच्छे कॉलेजों में आके, इतने बड़े बड़े कॉलेजों में आके, तो अलग ही सीन होता है। तो हमें भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, और अभी देखते हैं काफ़ी सारे गेम होने वाले हैं, तो आपको भी काफ़ी मज़ा आएगा। और सेमिनार हॉल में भी एक इवेंट हो रहा है, लेकिन यार अभी उसके पास नहीं जा पा रहा हूँ मैं, और यहीं पे सब कुछ कर रहा हूँ, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। तब तक आप ब्लॉग में बने रहिए, एंजॉय करते रहिए, और काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है।